हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। IRCTC में जो टॉप के लेवल से गिरावट जारी है, जो कि मार्केट के साथ गिर रहा है, तो ये गिरावट कहां पर थम सकती है और कहां पर इसके एक अच्छे सपोर्ट लेवल है जहां से इसमें एक रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है, इन लेवल्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सीधे चलते हैं IRCTC के चार्ट में, जहाँ पर ये आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा होगा चार्ट में कि ये टॉप के लेवल से यहाँ पर से ये गिरावट लगातार जारी है। कंटिन्यू अगर हम बात करें तो लास्ट कुछ 6 to 7 days से इसमें बियरिश कैंडल ही आपको दिख रहा है, रेड कैंडल। और यहाँ पर अब ये स्टॉक गिरते हुए इस रेंज में आ चुका है जहाँ पर हो सकता है कि ये अच्छे सपोर्ट ले और यहाँ से एक रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। बट इन लेवल्स को आपके साथ डिस्कस करने से पहले यहाँ पर ये जो आप एरो देख रहे हैं, इसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर एरो हमने इसलिए लगा कर रखा है क्योंकि जब ये वाली कैंडल फॉर्म हुई थी, ये जो ब्रेकआउट हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन दिख रहा है उसे ब्रेक करके ऊपर में क्लोजिंग हुई थी, तभी हमने आपको यहाँ पर बाइंग सजेस्ट किया था IRCTC में। और जहाँ पर आपको एक अच्छे 1510-1500 के लेवल से आपको बाइंग सजेस्ट किया था और यहाँ से आपको क्लियर कट कहा था कि अच्छी खासी इसमें अपर रैली होने वाली है जिसका फ़ायदा ले सकते हैं, और आपको बाइंग सजेशन दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, आप चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं, एक बड़ा रैली हुआ। तो कहने का सेंस ये है कि हम आपको नीचे के लेवल से बाइंग दे रखे थे जहाँ पे उस पर एक अच्छी प्रॉफिट भी हुई IRCTC में। बट अभी जो टॉप के लेवल से गिर रहा है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि IRCTC हमेशा एक अच्छा स्टॉक है, मोनोपोली बिजनेस है इसका। और ऐसे अच्छे स्टॉक में कभी भी करेक्शन आता है तो उसमें हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इस गिरावट को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करना चाहिए, जहां पर केवल हमें प्राइस लेवल को वेट करना चाहिए इस तरह के स्टॉक में खास करके। और उन प्राइस लेवल के साथ अगर हम चलेंगे तो हमें इस तरह के स्टॉक में हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। जहाँ पर ये टॉप के लेवल से हमने आपको ये जो आप देख रहे हैं कि 1987 का अराउंड का लेवल हमने आपसे डिस्कस किया था, एक और वीडियो स्पेशली बना के, जहाँ पे आपको टॉप के लेवल से इसमें क्लियर कट कहा भी था कि ये लेवल ऐसे है जहाँ से गिरावट आ सकती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर में क्लोजिंग भी हुआ कुछ 3 दिनों तक, बट हमने आपको कहा था कि इसके ऊपर में जब क्लोजिंग होगा तो हम आपके लिए ऊपर के भी टारगेट देंगे। बट ये क्लोजिंग पर्सनली मुझे ऐसी नहीं लगी कि इसके ऊपर में और आपको एक रैली दिख सके, तो इसीलिए हमने ऊपर के जो लेवल्स है वो आपके साथ डिस्कस नहीं किए। और उसका प्रूफ देख सकते हैं कि मार्केट में गिरावट हो गई और जो कि 2000 के लेवल से अगेन 1700 के लेवल पे आके खड़ा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है, और इन सारी चीज़ों को अगर समझ के ट्रेड करेंगे, किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। तो अब बात करते हैं इसमें कौन से लेवल है जहाँ पर आपको एक रिवर्सल पॉइंट वो साबित हो सकता है। तो IRCTC में जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का मार्केट भी सडनली एक बड़ी गिरावट हुई और उस बड़ी गिरावट में IRCTC भी गिरा। बट इस गिरने में ये जो सपोर्ट लाइन जो कि 1746-1732 का है, तो आज का आप लो देख सकते हैं 1746.4 एग्जैक्टली जो सपोर्ट लाइन है उसी को टच करके इसमें अपर में क्लोजिंग हुई है, जो कि 1746 से रिवर्सल लेके 1766.65 की क्लोजिंग इसमें हुई है। तो नेक्स्ट डे के लिए भी या फिर कल के लिए तो ये सपोर्ट लेवल वैलिड है ही, बट कल का दिन बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंस डे है, कल फ्राइडे है, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशंस में भी अगर 1746-1732 का लेवल ब्रेक नहीं करता है IRCTC और इसके ऊपर में ही क्लोजिंग देता है तो वो वीकली बेसिस पे ऊपर में क्लोजिंग देगा और ये सपोर्ट लेवल को अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट वीक अगर इस सपोर्ट लेवल को कल के ट्रेडिंग सेशंस में होल्ड करता है तो नेक्स्ट वीक आप इसमें बाइंग में जा सकते हैं IRCTC में, जहाँ पे ये टॉप के लेवल से अगर हम बात करें तो इसमें अराउंड 300 रुपीज़ की गिरावट हो चुकी है। तो इसमें आपको नेक्स्ट वीक में अगर ये लेवल होल्ड करे तो अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ की रैली आपको इस लेवल से देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि कल का डे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कल के दिन मैं केवल इसे वॉच करने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा, जहां पर अगर ये लेवल ब्रेक कर दे तो फिर से एक बड़ी गिरावट होगी, जो कि नीचे के लेवल भी आप देख सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो नीचे फिर से एक बड़े प्राइस रेंज तक कोई सपोर्ट एरिया नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर 1600। तो 1732 का लेवल ब्रेक करेगा तो सीधा 1600 के लेवल है नीचे में सपोर्ट। तो इसीलिए कल का जो ट्रेडिंग सेशन है उसे केवल इसे वॉच करें, प्राइस में किस तरह की मूवमेंट होती है, कहां पर क्लोजिंग होती है, और उसके आधार पे नेक्स्ट वीक में अगर इसके ऊपर में क्लोजिंग होती है तो आप एक अपर रैली का फ़ायदा ले सकते हैं बाइंग करके। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा।
IRCTC में, जहाँ पर हमने जब जब इसमें लेवल आपको दिए हैं वो हमेशा पॉजिटिवली रिएक्ट किया है, वो चाहे ये नीचे से बाइंग में हो, चाहे यहाँ पर ये टॉप से हमने जो आपको एक हिंट दिया सेलिंग के लिए वो। तो आई होप कि अभी भी ये लेवल पॉजिटिव ही वर्क करेंगे, बस आप लेवल को नोट करके रखें और लाइव मार्केट में इसका मजा लें। और इस तरह के एडवांस में लेवल हम अलग अलग स्टॉक में डिस्कस करते ही रहते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिलैक्सो हमने किया था, सपोर्ट लेवल दिया था, जहाँ पे पूरा मार्केट गिरा, सारे स्टॉक गिर रहे हैं, बट रिलैक्सो हमारा जो सपोर्ट लेवल है उसी को टेस्ट करके अपर साइड के रैली लगा रहा है। तो इन सारे लेवल्स का टाइमली फ़ायदा लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें।